हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखे। धन्यवाद। धाम पधारे थे उस पर आपने जो 35 करोड़ रुपए का और ब्रिज का शिलान्यास किया था उसका काम चल रहा है। मैंने धाम में उसके बाद में हमने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए विकास के लिए। इस प्रकार से इस क्षेत्र का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। ये वागड़ का क्षेत्र है जहाँ पर भैरव जी मंदिर पर पुल निर्माण का मांग की गई है। अभी मेरे का मालवीय जी ने करीब 37 करोड़ रुपए लागू होंगे भैरव जी मंदिर पर पुल निर्माण की। मैं घोषणा करता हूँ 37 करोड़ की लागत से पुल बनाया जाएगा। सेवादल अभी मैं 2 महीने पहले आया था 2500 करोड़ रुपए की लागत से अपर हाई लेवल कैनाल बनाने का काम प्रारंभ हो गया है। हजारों खेतों को पानी मिलेगा, सिंचाई होगी। अपर कैनाल पिपलकोट का काम 1500 करोड़ रुपए की लागत से जल्दी आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से जो मांगा मुझसे आप सबने, मैंने कभी मना नहीं किया और मैंने कहा था कि आप सब लोग मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते से नहीं थकूंगा। वो मैंने वादा निभाया आप लोगों से। आज एक और मांग बहुत पॉपुलर डिमांड थी यहाँ की, जो आदिवासी हमारे भाई बहन जो नौकरी करते बाहर और जो TSP के बाहर के नौजवान यहाँ नौकरी कर रहे थे, अभी हमने फैसला किया है करीब 2000 शिक्षकों को ट्रांसफर करने का। उनकी जगह हमारे स्थानीय आदिवासी नौजवानों को, छात्रों को मौका मिलेगा नौकरी करने का। महाबाड़ी केंद्र जिसके लिए हमारे डॉक्टर CP जोशी साहब, आप सब भी कहते रहते हैं, आपके भाई बंधु जो आदिवासी हैं वो TSP क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहाँ पे भी महाबाड़ी केंद्र खुलने चाहिए। इसलिए हमने तय किया है जिस प्रकार महाबाड़ी केंद्र यहाँ चलते हैं उसी प्रकार से अन्य क्षेत्र में महाबाड़ी केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इस रूप में मैं समझता हूँ वागड़ के चौमुखी विकास हो, ये हमारा सपना है। जो कानून राहुल जी आपने हमेशा कहा है SC ST का कानून बनाओ, जो बजट में घोषणा होती है पूरा बजट उसी में खर्च होना चाहिए। हमने कानून बना दिया उसको, हमने 200 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति रखी अलग से, हॉस्टल 219 बनाए हमारे यहाँ पर, 50,000 बच्चे उसमें आरक्षित वर्ग के पढ़ते हैं रहते हैं। आज मैं घोषणा करता हूँ 50,000 की मेरा 1,00,000 बच्चे हॉस्टल में रहेंगे आदिवासियों के, SC ST के, OBC के, उनका एक्सपोजर होगा। इस प्रकार से हमने महंगे रात कैंप लगाए, घर घर के अंदर उसका लाभ मिल रहा है। मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, देश में कहीं नहीं है। राहुल जी तो हमारी जब दवाई फ्री करी थी, मैंने टेस्ट फ्री किए थे तब राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर प्रचार किया था। आज तो राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया, 25 लाख का बीमा हो गया, 6 लाख का दुर्घटना बीमा हो गया। और अभी जो मैंने मोबाइल फोन दिए हैं, पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को फोन मिलने जा रहे हैं, कल से प्रारंभ होगा। राहुल गांधी जी ने शुरुआत कर दी है, 15 अगस्त से अन्नपूर्णा किट योजना शुरू हो रही है, खाने पीने की सामग्री को लेकर के घर घर पहुंचा जाएगा। इस प्रकार से जो फैसले किए हैं, इंदिरा गांधी जी नाम से रसोई चल रही है, शहरों में गांव में शुरू हो रही है, 8 रुपये में भोजन दे रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के नाम से स्मार्टफोन बन रहे हैं और मुझे खुशी है राहुल जी आपको मालूम होगा पूरे देश पूरे प्रदेश के अंदर पिछली बार 30 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया था। राजीव गांधी जिन्होंने एशिया गेम्स को संपन्न कराया था उनके नाम से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, इस बार राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 58,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो मैच शुरू हो गए हैं, 6 तरह के गेम्स हैं, बहुत शानदार तरीके से माहौल बन रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ के बच्चे भी ओलंपिक कॉमनवेल्थ और साथ में एशिया में कामयाब हो सके, इस प्रकार की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कमी कोई रखी नहीं है। जो आपका आदेश था, जो आपकी भावना थी, उसके अनुरूप हम लोगों ने हमेशा काम को आगे बढ़ाया है। और मैं समझ सकता हूं कि आपकी भावना क्या है देश के लिए, देशवासियों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कोई सोच नहीं सकता। अभी हाल ही में आपने कहा जाति की जनगणना होनी चाहिए। आपका इतना कहना मैं समझता हूँ पूरे देश को एक मैसेज दे गया है। हम चाहेंगे राजस्थान में भी जाति की जनगणना शुरू होगी, जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर।